जिंदों, लालच के भेड़ियों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग दहेज मांगोगे और हम अगर दहेज नहीं देंगे तो तुम मेरी बहन की शादी नहीं होने दोगे? एक से एक नमूने यहाँ छांट के भेज रखे हैं चौकी में। तुम लोगों को पता नहीं है, इस इलाके के पान वाले से लेकर चाय वाला तक, धोबी, दूध वाला, किराने वाला, जो सुबह झाड़ू लगाने आता है, वो तक मेरी बहन का दीवाना है। अरे ये भुलक्कड़ भेज दिया है कमिश्नर का साला। चले जाओ यहाँ से दहेज के दानव। ओ हो, चाचा और ताऊ के बाद में दूल्हा खुद आ गया। सुन बे, तेरी रामकली से तो शादी कभी होगी नहीं। और अपनी शक्ल देखी है कभी तूने शीशे में? छछुंदर है? क्या हो, कुछ हुआ क्या? बहुत कुछ हो जाएगा बेटे, तेरी दीदी ना तेरी शक्ल पहचानेगी नहीं। बोल रहा हूँ मैं, छोड़ाला हमसे छोड़ेंगे नहीं। इसने हमें छछुंदर बोला, हम यार हमारा खून खोल रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम छोड़ेंगे इसको। जुबान को लगा लीजिए ताला इजदा, ये है कमिश्नर साहब का साला इजदा। पपी तू दांत चबा चबा के हमें डराने की काहे कोशिश कर रहा है बे? अभी उसी पोज में हमें ठुमका लगा के दिखा। ओके दीदी से बोल दूंगा। अभी बोल बे, दीदी से बोल जाकर, अभी बोल, जा बोल। अबे दीदी का लल्ला पल्लू के उल्लू, जरा काम भी कर ले अगर आ गया है तो, यहाँ वर्दी पहन के खड़ा है तो। जब देखो इसका ड्रामा। अरे यार गोपी गुलगुले क्या आया वो? हाँ मैडम वहाँ पे वो ऑपरेशन हो गया ना। अबे अगर ऑपरेशन हो गया तो चीप चाइनीज ट्रांजिस्टर कहाँ है बे? वो देना। Yes! Well, रेडियो है यहाँ इसदा, गोपी को लाइक करता है सारा जहाँ इसदा। ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बहम में रहने की जरूरत ना है। खोलियो जरा, देख इसमें क्या निकलेगा। हाँ डायमंड निकलेंगे मैडम, डायमंड। अच्छा क्यों नहीं, एक एक डायमंड लेके जाएगा तू अपनी मिसेज के लिए। अरे मैडम बांट लेंगे ना, बहुत सारे निकलने वाले। क्यों नहीं घूसखोर। सॉरी गोपी सॉरी। ओ माय गॉड, इसमें नहीं है कुछ इज्जत, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम है सुशीला। तू बहुत जल गया, तो इससे पहले तू जाएगा। ऑल राइट मैडम, ये इसके अंदर तो कुछ नहीं है मैडम, ये तो एकदम नॉर्मल सा रेडियो है। मैं छोड़ा ला, रेडियो में तो कुछ नहीं निकला, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई जेम, ना कोई चिप, ना कोई इम्पोर्टेंट मैप, और ना ही पान। तो मसाले के पेट में ट्रांजिस्टर क्यों फिट किया? मैडम ऐसा है, इस आदमी के पेट में कोई रेडियो जैसी चीज है जिस पर पुराने फिल्मी गाने बज रहे हैं। यही तो पता लगाना है कि उस डॉक्टर ने ये रेडियो आकर छोड़ा क्यों मसाला के पेट में। छोड़ा ला, एक बात जरा सोचने वाली है। क्या है ना, हम सिर्फ डॉक्टर के पीछे पड़े हुए। डॉक्टर क्या करता है ऑपरेशन करने के बाद? वो तो निकल जाता है ना चाय कॉफी नाश्ता वाश्ता करने के लिए। उसके बाद सिलाई कौन करता है? Yes! सिलाई तो करता है उसका असिस्टेंट। सर करेक्ट सर, बट वुड आई डू विदाउट यू सर? नथिंग। लक्ष्मीकांत यारे लाल। Meow.
देखे 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 जी, पासवर्ड लगभग मैच हो गए। अच्छा ये लो जी, देख लो माल ठीक है। बाल ठीक है? ओए बाल नहीं, माल ठीक है। ठीक है हा? अच्छा तो ले आओ मेरे 20 लाख। रुको। हाँ जी। ओ भाई साहब पेमेंट हुई नहीं अभी। ओ यार, ओ भाई साहब, ओए 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 हा? अच्छा वो इतने बड़े बैग में वो 20 लाख एक एक रुपए के नोट तो नहीं है? वाव 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 वाव। दस दस के। अच्छा ये डॉगी डिस्को जाएगा। ओ बिल्लू। अच्छा भाई ला ला ला। अच्छा ऐसे ही दे लेता। Are you kidding me? अबे 20 लाख का घड़ा? अबे घड़े के अंदर क्या 2 बेडरूम हॉल किचन का सेट हो रखा है क्या बेचने के लिए जो 20 लाख में किसने खरीद लिया? अरे मैडम वही वही तो मैं सोच रहा हूँ मैडम कि 20 लाख मतलब ऐसी क्या खास बात है इस घड़े में। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैडम कि अगर कोई इंसान इस घड़े के 20 लाख दे सकता है तो वो फ्रिज के कितने देगा? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है, मैं तो बस तीर मार रहा हूँ ना। ज्यादा तीर ना मार, कहीं मैं ना इतना मार दूं तेने अमीबा जैसा दिखने लगे पता ना लगे गुलगुले की क्या है। सॉरी। वेल वो असिस्टेंट डॉक्टर क्यों बेच रहा था घड़ा इज्दा, ये सवाल है बहुत बड़ा इज्दा। क्यों, आखिर क्यों, किस लिए, व्हाई, कब, कहां, कैसे, वजह क्या होगी, रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा? मैं सोच रहा कहीं मुझे अपना दिमाग ना लगाना पड़ जाए बस। तू अपनी याददाश्त के झरोखे ने जरा खुला रख है? दिमाग लड़ाने के लिए हम हैं दीदी के भैया। आराम ना ले। हाँ यार। ओ बिल्लू आइए आइए। रिलैक्स, क्या बात है। एड्रेस नहीं मिल रहा। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मेरे पेट का ये दोबारा ऑपरेशन करवा के अंदर से और रेडियो जो है वो बाहर निकलवा दिया। थैंक यू वेरी मच। एड्रेस नहीं मिल रहा। क्या टेढ़े हैं कान मेरे। ये डॉक्टर का असिस्टेंट, माय गॉड, ये घड़े के साथ क्या कर रहा है वो? एड्रेस नहीं मिल रहा। तुम इस घड़े को जानते हो? अरे हाँ, ये घड़ा म्यूजियम का घड़ा है, 15वीं सदी का है, बहुत महंगा है। और वो म्यूजियम का घड़ा है जिस म्यूजियम में मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। एड्रेस नहीं मिल रहा। एक मिनट। हाँ। तू म्यूजियम में सिक्योरिटी का इंचार्ज है? हर बात जो है तू इतनी लेट क्यों बतावे? पिक्चर रिलीज होने के जो है ना 2 महीने बाद आइटम सॉन्ग अपना डाल रहा है तू, फ्लॉप होने के बाद हर चीज लेट क्यों नहीं पहले बताया कि तू म्यूजियम का इंचार्ज हो रहा? हाँ तो कोई बात नहीं ना, अभी मैंने बता दिया ना कि मैं म्यूजियम में एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, उसमें क्या बात है, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड जॉब। अबे गधे, उसमें बात है, और बात यो है कि कोई तो है जो नहीं चाहता है कि तू म्यूजियम की सिक्योरिटी करे। पॉलिटिक्स, किसी को कोनो शक तो नहीं ना है?
ओ जी, ओ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, यानी कि एलपी, क्यों होते आप क्यों इस बात की चिंता कर रहे हैं? डोंकी डिस्को जाएगा? तो आप तो सिर्फ इतना बताइए कि आपको चाहिए क्या? देखो भैया, हमको तो 12वीं शताब्दी की यूनिक एंटीक अद्भुत झाड़ू चाहिए। वो म्यूजियम से आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, यानी कि मेरी है जी, मेरी, समझ लो आप। हाँ, डोंकी डिस्को जाएगा। यार कितनी बार चक्कर ले चुके, बार बार आके टकरा रहे हो, समझ नहीं आता। टाइमिंग रखो, दूर रहो। अम्मा तुम डिस्को जाओ यार, तुम्हारा डंकी वहीं बैठा होगा। तुमको डिस्को की स्पेलिंग आती है? जरा बोल के बताना। बात करता है, डंकी डिस्को जाएगा। माय चोटू यार, फोटो के सामने तुम बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, आपके सामने पता नहीं हमें क्या हो जाता है। आपसे बहुत सारी बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे हमारे सामने आती ना, हम थोड़े सहम से जाते, दिल की बात नहीं कह सकते बस। लेकिन फोटो के सामने तो कह सकते हैं ना, आपको देखकर ना हम बड़े मदहोश हो जाते हैं। सस्ते में मानता है आदमी, हम 500 रुपए बेवजह दे रहे थे उसको इतने टाइम से। चीप चीप, हमारे लिए तो अच्छा है। अरे कोई पानी निकालो बे। मैनेजर साहब, आप अभी तक यहीं आई हैं? अरे काहे टेंशन ले रहे हैं, हम पूरा म्यूजियम लॉक कर दिया हूं और हम यहीं हूं, आप जाइए घर। अरे चले जाएंगे, ये कुछ नए वैक्स के पुतले आए हैं। हाँ। है ना? हाँ, नया है। ये जो है परसों कानपुर के म्यूजियम में ट्रांसफर होंगे। अच्छा, लेकिन इनमें खास बात है, इन सब में बैटरी लगी हुई है। हाँ, हाँ तो ये बोलते हैं। अच्छा, कैसे कैसे? आओ दिखाओ, आओ। ये है थकान के भुवन। उत्तरी ओरी गोरी, मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुझी से किया। हाँ, आदि क्या खंडाला। एकदम भुवन जैसा नहीं है, चलो आओ। हाँ, ये कौन है, ये कौन है? मुगल रियासत में महाराजा अकबर थे। हाँ। ये उनके बेस्ट फ्रेंड है महाराजा मुन्नू। मुन्नू का बात है, एकदम मर्दान की शख्सियत है, इनसे कुछ बुलवाइए। हाँ, हाँ, हम है राजा मुन्नू, मुन्नू ओ ले 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 ले। ये तो चुपाई अच्छे हैं। आओ आओ। हाँ, ये देखो। ओ, पंजाब में 13वीं सदी में कबीला था। हाँ। मल्होत्रा दा कबीला, वहाँ के जो सरदार थे ये उनके बेटे हैं। हाँ, नाम सुने हैं कहीं इस कबीले का। हाँ। कुछ और सुनो। हाँ। ओहो महाराज, मंगाओ कुछ, टाइम हो गया। सही है सही है। बंगाल के देवड़ी का नाम सुने होगे। हाँ, हाँ, हाँ। ये उनके भाई हैं रेवड़ी। की हाला, आमी एक नंबर गाढ़ा। मतलब कोई नहीं,
आजा आजा कोई ना। ये जो है ये सबसे कीमती चीज है हाँ? क्योंकि ये विलायती माला विलायती हाँ? लंदन का चार्ली हाँ? साहेब एक काम कीजिए ना अब आप घर जाइए बहुत शाम हो गया है भाभी इंतजार कर रही होंगी कुछ नहीं कुछ नहीं हम हूं ना इधर साफ देखभाल कर लूंगा ठीक है चलिए आप जाइए जाइए मोम का पुतला अच्छा है अच्छा है मोम का पुतला कितना शांति है ये गया असली और ये आया नकली ए ए झाड़ू चोर पकड़ा गया झाड़ू मारेंगे तेरे साथ घर पर अरे मैनेजर साहब ये पुतला बोलता ही नहीं चलता भी है और टपली भी मारता है अबे हम बहुत कुछ करते हैं क्योंकि हम पुतले ना है हमें पुलिस मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला ये चुरा रहा था यहाँ से और कितना माल अब तक चुरा लिया तैने देश की जो है नेशनल संपत्ति का इस म्यूजियम का मैडम ज्यादा कुछ नहीं बेचा हूँ सिर्फ 12वीं सदी का एक घड़ा और हड़प्पा से निकली हुई 400-500 मूर्तियां बेचे हैं और 15वीं सदी का ये झाड़ू बेचने जा रहा था मैं किस्मत ही खराब है कौन कौन है थारे साथी इसमें और मैडम हम कुछ नहीं किया हूँ ये सब उस एक डॉक्टर है वो क्या से चलता है सारा रैकेट उसका असिस्टेंट है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो सब काम करता है और वो डॉक्टर भी असली नहीं है फर्जी है किस्मत ही खराब है हम कुछ नहीं किया हूँ मैडम हमको छोड़ दो किस्मत ही खराब है मसाला के पेट में ट्रांजिस्टर जानबूझ के छोड़ दिया था ना तुम लोगों ने ताकि वो बेचारा ईमानदार आदमी शरीफ आदमी अस्पताल के चक्कर काटता रहे और तुम लोग यहाँ राष्ट्रीय संपत्ति की स्मगलिंग करो है ना अरे मैडम मैं ज्यादा कुछ नहीं किया हूँ किस्मत ही खराब है मैं ही उनका खाने में दवाई मिलाया जिससे उनका पेट में दर्द हुआ और फिर मैं ही उनको उस डॉक्टर के पास ले गया जो डॉक्टर उनका पेट का ऑपरेशन करके रेडियो पेट में रख दिया किस्मत ही खराब है हम और कुछ नहीं किया हूँ मैडम किस्मत ही खराब है Well, अब तुम खाओगे जेल की हवा इज्जा धो के आया हूँ कड़ाही करछी और तवा इज्जा नौकर बन के रह गया है तू बेइज्जती करा रहे हर जगह सो मैं चल 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 थारा ऑपरेशन ही मैं करती हूँ जेल में चल चल आओ तुम्हें तीन गुना लगान देते हैं आओ चल बिल्लू बिल्लू अरे बिल्लू चल ना क्या हो गया आप पोटोल चलबे ना हाथ लगाबे ना पुटुल 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 अरे मैडम लगता है ये फिर से भूल गया है और ये अपने आप को असली का पुतला समझ रहा है वेरी गुड बेस्ट आइडिया इसे यही रहने दो बला टली निकलो चलो तबे चल किस्मत खराब है ओ बिल्लू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.